अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान वेजिटेबल कबाब। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैं रमज़ान स्पेशल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं चार अदद, इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये शिमला मिर्च ली है मैंने एक अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया बारीक। गाजर ली है एक अदद, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक अंडा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। चेडर चीज़ ली है मैंने 2 टेबल स्पून, ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं भी डालेंगे तो कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल लिया है फ्राई के लिए। सबसे पहले मिक्स करते हैं इन सारी चीज़ों को। एक बॉल लेंगे बड़ा, इसके अंदर मैश किए हुए आलू डालेंगे। गाजर डालेंगे चॉप की हुई, शिमला मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक डालेंगे और चेडर चीज डालेंगे। अब इन सारी चीजों को मिक्स करते हैं। ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इनके कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं हाथ पे, इस तरह से ग्रीस कर लेते हैं हाथों को। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, इस तरह से करके गोल कर लेंगे कबाब को। इस तरह से शेप दे देंगे। सारे कबाब तैयार कर लिए हैं मैंने, अब इनको फ्राई करते हैं। अंडा तोड़ के मैंने फेंट लिया है, ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, अब इसकी मैंने आग हल्की कर दी है। आप कबाब को फ्राई करते हैं, इस तरह से अंडा लगाएंगे। इस तरह सारे कबाबों को अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। अब इनको दोनों साइडों से गोल्डन करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करते हैं, एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, अब दूसरी साइड चेंज कर देते हैं, इधर से गोल्डन कर लेंगे। तो आप दूसरी साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। बाकी भी इसी तरह बना लेते हैं। वेजिटेबल कबाब तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।